this. Oh my god. So guys, I have this box from Purple. So मैंने कुछ shopping करी है तो मैंने NY Bay और Estée Lauder के products लिए हैं. So let me quickly show you the products. So first मैंने ये NY Bay का blurring primer purchase किया और ये मैंने NY Bay का concealer, liquid concealer purchase किया. तो इस पर buy one get one free का offer था, तो ये मुझे MRP पे मिल गया और ये उसके साथ मुझे free मिल गया. So Estée Lauder से मैंने ये foundation लिया, एक ये बीबी क्रीम ली एंड मैंने ये मिनी कॉन्टोरिंग स्टिक ली. तो इस पर भी कुछ ऑफर था तो उसके साथ मुझे एक फ्री गिफ्ट मिला. तो इनका ये मुझे ब्लू आईलाइनर मिला, ये फ्री मिला. और ये सारा ऑर्डर मेरा हो रहा था 498 का. तो उसके साथ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग गिफ्ट मिला पूरे ऑर्डर के साथ. तो मुझे ये छुटकू सा प्राइमर मिला है फ्रॉम NY Bay. ये मुझे 1 ग्राम का सैशे रिसीव हुआ है NY Bay से, तो काफी छुटकू सा ही है ये. सो नाउ आई हैव दिस ब्लरिंग प्राइमर एंड विद दिस आई हैव दिस ब्राइटनिंग प्राइमर आल्सो. सो मैंने ये सारे प्रोडक्ट मैंने कभी भी ट्राई नहीं किए, तो मैं आज इस वीडियो में फर्स्ट टाइम सारे प्रोडक्ट ट्राई करूंगी. उसके साथ साथ मैं आपको अपना रिव्यू भी शेयर करूंगी. सो मेरे पास 2 प्राइमर है, तो मैंने सोचा था हाफ फेस पे मैं ये वाला लगा लूंगी, हाफ फेस पे ही मैं ये अप्लाई करूंगी. तो ट्राई करते हैं. मैंने एक्चुअली सोचा था जब मुझे पार्सल रिसीव होगा तो मैं हैंड टू हैंड वीडियो बनाऊंगी और तभी मैं सारा पूरा अनबॉक्स करूंगी. बट ये पार्सल मुझे कल रिसीव हुआ और कल मैं ब्रेक पर थी एक्चुअली, तो मैंने थोड़ा सब बिल्कुल अनबॉक्स कर दिया सब. तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थिक जेल है, तो देखते हैं ये पोर्स ब्लर करेगा या नहीं. तो गाइस इसने काफी हद तक मेरे जो पोर्स थे ओपन पोर्स को ब्लर कर दिया है. इंटरेस्टिंग. तो अब हम दूसरा वाला प्राइमर ट्राई करेंगे अपने हाफ फेस पे. ये भी सेम ट्रांसपेरेंट थिक जेल है. सो गाइस इस साइड ब्राइटनिंग प्राइमर जो मैंने लगाया तो मेरा हाफ फेस मुझे इसके कंपैरेटिवली ब्राइट लग रहा है, लेकिन यहाँ मेरे पोर्स अच्छे से ब्लर नहीं हुए. बट इस साइड ब्राइटनेस कम है बट पोर अच्छे से ब्लर किए हैं. तो अब अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे. सो गाइस फॉर बेस आई हैव दिस Estée Lauder की फाउंडेशन एंड आई हैव दिस Estée Lauder की बीबी क्रीम. तो इन दोनों का कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये काफ़ी शेयर कवरेज प्रोवाइड करेगी, तो इसका रिव्यू किसी और वीडियो में मैं आपको दूंगी. सो इसे आज ट्राई करते हैं. बस एक्चुअली इसके संग ये हो रहा था, इसका मैंने लिया इसका शेड नंबर 3, बट इसमें थे जो फेयर स्किन टोन के लिए वो 1 और 3 नंबर शेड थे. तो 1 तो आउट ऑफ स्टॉक था, बार बार स्टॉक में आ रहा जा रहा, बट 3 का भी यही सीन था. तो मैंने फिर 1 के लिए ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दिन वेट कर चुकी थी और सेल के लास्ट दिन मैंने ऑर्डर किया था, तो मुझे लग रहा था यार सेल भी चले जाएगी, कहीं मेरा शेड 3-1 तो गया तो मैं 3 भी ना खो दूँ. तो इसलिए मैंने फिर ये 3 ही ऑर्डर कर दिया. तो देखते हैं कितना मैच होगा, क्योंकि हमेशा जो मेरा है, मैंने ऑनलाइन जब भी मैंने फाउंडेशन परचेज किया हमेशा मेरे रॉन्ग शेड आए. तो आज ट्राई करते हैं, शायद ये मैच हो जाएगा. सो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं हाफ फेस पे ब्रश से ब्लेंड करूँ और हाफ फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर से, सो डैट हमें पता चलेगी किससे अच्छे से ब्लेंड होगा. मुझे कुछ ना कुछ होगा.
सो गाइज मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर वाली साइड ज़्यादा स्मूथ ज़्यादा अच्छी लग रही है. सो नेक्स्ट है दिस एन वाई बे का कंसीलर एंड माई शेड नंबर इज 2. तो देखते हैं ये शेड कितने अच्छे से जाता है मेरे स्किन टोन पे. सो लिक्विड कंसीलर काफी इजीली ये ब्लेंड भी हो रहा है और मेरा शेड भी मैचिंग. सो गाइस आई एम डन विद द कंसीलर. तो ये कंसीलर काफी इजीली ब्लेंड हो गया, लाइट वेट है और बिल्कुल भी क्रीज नहीं किया इसने. और सबसे अच्छी बात, मेरा शेड बिल्कुल एग्जैक्ट आया है. और उससे भी अच्छी बात, ये बिल्कुल अफोर्डेबल है. तो आपको सारे प्राइस स्क्रीन पर मेंशन हो जाएंगे. सो गाइस लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो आई हैव दिस स्टिक वर्की का कॉन्टोर स्टिक एंड द शेड नंबर इज 40. तो ये काफ़ी, ये मिनी स्टिक है. सो काफ़ी छुटकू सा प्रोडक्ट है ये. सो गाइस इसके बाद मैंने आई शेडो, मतलब आई के लिए कुछ भी परचेज नहीं किया. तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस कॉन्टोर स्टिक को मैं आई पे लगा के ट्राई करती हूँ. आई गेस ये काफी सही लग रहा है. सो द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस आई लाइनर. सो ये स्टिक वर्की का लाइनर है. द नेम इज स्टिक वर्की बैड एस. सो इट्स ब्लू इन शेड. सो इसका वॉन्ड तो ज्यादा थिन नहीं है. सो ट्राई करते हैं इसे लगा के. सो गाइज आई एम डन विद द आई लाइनर. सो इसके टिप जो हार्ड है काफ़ी, उससे अप्लाई करना नहीं है इजी. बट इसका जो शेड है ये थोड़ी मैट फिनिश दी है इसने मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है. क्योंकि पहले मैंने एन वाई वे का ब्लू लाइनर परचेज किया था, वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी था और मुझे इतने ग्लॉसी आई लाइनर बिल्कुल नहीं पसंद. तो मेरा यूं ही पड़ा है वो. सो उसके कंपेरिजन में मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सही लगा. बस इसके टिप का इशू है. तो बट मुझे तो ये फ्री प्रोडक्ट मिला है तो अच्छा है. मतलब ये मैं इसे आगे भी यूज़ करूँगी. मैं ऐसे ही उसे पटकूँगी नहीं इसे, जैसे मैंने एन वाई बे का मेरा पड़ा ही है. सो या डैट्स इट. सो फॉर दी लिपस्टिक, मैंने कोई भी लिपस्टिक परचेज नहीं की. तो मैं अपनी ही ये एच बी टी की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी. So guys, this is my final look that I have created with the minimum product that I have purchased. So hope you enjoyed this video and found this video helpful. So don't forget to like my video, subscribe my channel and hit the bell button. I'll see you in my next video.